बड़ी खबर का रुख करते हैं झालावाड़ में। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, लिपिक श्यामलाल गुर्जर के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। एसीबी के करीब आधा दर्जन टीमें कर रही हैं छापेमारी। अब तक करीब 15 लाख रुपए की नकदी, 1.5 किलो सोना, कई प्रॉपर्टी, 20 बीघा जमीन के दस्तावेज मिल चुके हैं। कोर्ट से वारंट लेकर एसीबी ने छापेमारी की है। ऐसे ज्यादा संपत्ति केस को लेकर छापेमारी की गई है। झालावाड़ और बूंदी एसीबी की टीमें कार्रवाई कर रही है। एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डीजीपी अलसोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर दरअसल ये कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई, लिपिक श्यामलाल गुर्जर के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, लिपिक है लेकिन अता संपत्ति के मालिक बन बैठे। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, ये जो बाबू है ये नगर परिषद झालावाड़ में कार्यरत है। एसीबी की टीम लगातार गोपनीय इनपुट जुटा रही थी अपने सूत्रों के साथ, और उसके बाद कल देर रात एसीबी की टीम ने लगातार तकरीबन आधा दर्जन टीमों ने छापा मारा, और छापा मारकर इसके कई ठिकानों पर एसीबी की टीम ने सर्च अभियान चलाया। उसके बाद में अब तक 15 लाख रुपए की नकदी है वो बरामद हो चुकी है, 1.5 किलो सोना बरामद हो चुका है, 3 प्लॉट के दस्तावेज है, जमीन मिली है, और दरअसल आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। झालावाड़ और बूंदी एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब एसीबी की टीम इस पूरे प्रकरण के अंदर एक आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज करेगी, और मुकदमा दर्ज करने के बाद में इनकम टैक्स और ईडी को भी ये सूचना दी जा सकती है। इतना पैसा जो लिपिक श्यामलाल गुर्जर है उसके पास कहाँ से आया तक, और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इसकी जो कमाई है उसके हिसाब से 1150% जो रिश्वत की राशि है वो ज्यादा है। इतनी ज्यादा काली कमाई इन्होंने कमाई है श्यामलाल गुर्जर ने, और इनसे एसीबी की टीम है वो अभी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा विजेंद्र जी। बिल्कुल नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।